नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। भातकुली तहसील के आसरा गांव में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से काफी नुकसान हुआ। शुक्रवार की शाम हुई इस बारिश के कारण 92 मकानों को क्षति पहुंची। 25 बड़े पेड़ों सहित बिजली के 20 खाम गिर गए। दूसरी तरफ उड़े टीन के कारण 5 मवेशियों की मृत्यु हो गई। अचानक हुई इस बारिश के कारण ग्रामवासियों को काफी भागदौड़ करना पड़ा। प्रशासन ने नुकसान का प्राथमिक अनुमान दर्ज करना शुरू किया है। प्रत्यक्षदर्शी नागरिकों के मुताबिक जिला परिषद शाला परिसर का पीपल का पेड़ की इमारत पर गिरने से कुछ कक्षाओं को नुकसान पहुंचा। भाग्यवश शाला को छुट्टी रहने से कोई जीवित हानि नहीं हुई। बारिश के दौरान गांधी चौक के गांधी पुतले के पास भी पेड़ ढह गया। बाजार चौक में खड़ी कार पर पेड़ ढहने के कारण कार का काफी नुकसान हो गया। विष्णुपंत वैद्य के घर पर नीम का पेड़ ढहने से उनके भी घर का काफी नुकसान हो गया। गाँव में 4 से 5 पोल गिरने से पूरी रात बिजली आपूर्ति खंडित रही। महावितरण के मुताबिक 20 बिजली के खंभे गिरे हैं। इस बारिश के कारण 3 बकरिया और अब्दुल रज्जू अब्दुल वहाब की 2 गायों की मृत्यु हो गई। मेलघाट के बीचों बीच स्थित चिकली गांव में शुक्रवार को जोरदार तूफान के साथ बारिश होने से अनेक घरों के टीन छत उड़ गए। सरकारी इमारतों का भी नुकसान हुआ है। अनेक पक्षियों की मौत हुई, एक गाय घायल हो गई और एक बछड़े की मौत हो गई। इसके अलावा पोल झुकने के कारण टूटकर बिजली आपूर्ति खंडित हुई। धारनी से 30 किलोमीटर दूर और मेलघाट के बीचों बीच स्थित गांव चिकली, राक्षा, पाटकहू, तारूबांदा सहित अनेक गांवों पर 7 जून की शाम में तूफान बारिश की मार पड़ी है। सबसे ज्यादा नुकसान चिकली गांव में हुआ है। करीबन 15 घरों के टीन के छत उड़ गए हैं। चांदूर बाजार रेलवे तहसील के घुईखेड़ में भी 7 जून की शाम 7 बजे भारी बारिश के कारण गांव के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। तेज वर्षा में अफसाना बी, शेख मुस्तफा, शेख रज्जाक, शेख शब्बीर, कांता खरे, आशा भोयर, गजानन दानी, देवेंद्र भोयर, पुष्पा गिरे, सागर काले, वासुदेव बीरे आदियों को भी काफी नुकसान पहुँचा है। बताया जा रहा है कि इनके घर के टीन हवा में उड़ गए थे। उसी की तरह मानसून पूर्व बरसात की जोरदार तरीके से आमद ने जहां तापमान में गिरावट ला दी है, तो वही खेतीबाड़ी की बुआई के लिए किसानों को भी तैयारी में व्यस्त कर दिया है। विगत 2 दिन से जोरदार बरसात के चलते लोगों ने जरा राहत की सांस ली है। वही नालियों की सफाई बरसात पूर्व नहीं होने से ग्राम पंचायत की लापरवाही की भी पोल खोल दी है। इस झमाझम बरसात में ग्राम की सभी सार्वजनिक नालियों में कचरा व कूड़ा करकट होने से निकासी नहीं हो रही। इससे नागरिकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की छुट्टियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी और स्कूल शुरू हो जाएंगे। नया शैक्षणिक वर्ष 15 जून से शुरू होगा, जबकि विदर्भ में स्कूल 1 जुलाई से शुरू होंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए है। साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार राज्य के स्कूल सप्ताह में 1 दिन यानी शनिवार को बिना पोर्टफोलियो के कक्षाएं आयोजित करेंगे। इसलिए पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को शनिवार को नोटबुक ले जाने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए इस शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 से नीति में कई बदलाव किए गए हैं। राज्य में स्कूल अब 15 जून से शुरू होंगे। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही स्कूलों को सुबह 9 बजे खोलने का निर्णय लिया गया है, जो पहले सुबह जल्दी खुल जाते थे। विद्यार्थियों पर मानसिक तनाव न बढ़े और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न निर्णय लिए जाते हैं। 15 जून को स्कूल का पहला दिन होगा। इस दिन पहली कक्षा के विद्यार्थियों और अन्य विद्यार्थियों को फूल और मिठाइयां बांटकर उनका स्वागत किया जाएगा। 15 जून को शनिवार है, चूंकि रविवार 16 और सोमवार 17 जून को बकर ईद है, इसलिए स्कूल शुरू होने के तुरंत बाद 2 दिन की छुट्टी आ रहेगी। मंगलवार से नियमित स्कूल फिर से शुरू होंगे। बिना कागजात के शनिवार का स्कूल विद्यार्थियों का तनाव कम करने के लिए विभाग के माध्यम से स्कूलों में विभिन्न गतिविधियां कराई जाएगी। इससे ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, स्काउट गाइड, योग, विभिन्न खेलों पर आयोजित शिक्षा दी जाएगी। शनिवार को विद्यार्थियों को स्कूल बिना नोटबुक के लगेगी। सप्ताह में 5 दिन विद्यार्थियों को किताब पाठ दिए जाएंगे, जबकि शनिवार को स्कूल में अन्य गतिविधियां पाठ विद्यार्थियों को दिए जाएंगे।
महापालिका क्षेत्र में कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है तथा विद्यार्थियों को गत 24 मई से व्यक्तिगत जानकारी वाला आवेदन भाग एक भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए अपनी पसंद दर्शाने वाला आवेदन भाग दो 16 जून तक भरा जा सकेगा। मनपा क्षेत्र में अब की बार 68 कनिष्ठ महाविद्यालयों में 16,160 सीटें उपलब्ध है। आज तक 3,372 विद्यार्थियों ने अपनी पसंद क्रम दर्शाने वाला भाग दो भरा है। ऐसी जानकारी 11वीं प्रवेश प्रक्रिया के समन्वयक प्राध्यापक अरविंद मंगले ने दी है। अमरावती में 11वीं प्रवेश के लिए 24 मई से पंजीयन शुरू हो गया है। 5 जून से विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए पसंद दर्शाने वाला आवेदन क्रमांक 2 भरने की शुरुआत हो गई। जिन विद्यार्थियों को इन हाउस कोटा उसी प्रकार अल्पसंख्यक कोटा अंतर्गत प्रवेश लेना होगा, उन्होंने आवेदन भरते समय कोटा प्रवेश की जानकारी दर्ज करना आवश्यक होगी। ऐसी जानकारी प्रवेश समिति के समन्वयक अध्यापक अरविंद मंगले ने दी है। 16 जून तक प्रवेश का पसंद का आवेदन भरना, 18 जून को इन हाउस अल्पसंख्यक कोटा सूची, 18 जून से 21 जून के दौरान शुरू प्रवेश फेरी प्रवेश, 26 जून को प्रथम प्रवेश फेरी गुणवत्ता सूची और 26 जून से 29 जून तक प्रथम फेरी प्रवेश, इस प्रकार का टाइम टेबल है। स्वयं सिद्ध उद्योजकता विकास अभियान राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ महाराष्ट्र, MIDC इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, चिल्लर किराना एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार 11 जून को नेत्रहीनों के लिए कागजी और कपड़ों की थैलियां बनाने का एक दिवसीय निःशुल्क वर्कशॉप MIDC इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सभागृह में आयोजित किया गया है। नेत्रहीनों के लिए इस तरह का यह पहला अभिनव वर्कशॉप लिया जा रहा है। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ महाराष्ट्र के 60 से 70 सदस्य उपस्थित रहने वाले हैं। उन्हें कागजी और कपड़ों की थैलियां का प्रशिक्षण वर्षा टिकले, कांचन गाड़गे, शीला मोरे, रंजना बिटकर, प्रिया महल्ले देने वाले हैं। ऐसी जानकारी आज पत्रकार परिषद में स्वयं सिद्ध उद्योजकता विकास अभियान के अध्यक्ष किरण पातुरकर ने दी। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का उद्घाटन मंगलवार 11 जून को दोपहर 12 बजे MIDC इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सभागृह में किया जाएगा। प्रमुख अतिथि के रूप में अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल, हरिणा नेत्रदान समिति के उपाध्यक्ष चंद्रकांत पोपट, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सारंग राउत, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ मालानी, चिल्लर किराना एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम पुरस्वानी, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ महाराष्ट्र की मानद अध्यक्षा कविता बिरादार उपस्थित रहने वाले हैं। किराना चिल्लर एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने आश्वासन दिया है कि यह सभी दृष्टिहीन लोग अच्छे दर्जे की बैग बनाकर देंगे। स्वयं सिद्ध उद्योजकता विकास अभियान की तरफ से बाय बैग गारंटी सहित अगरबत्ती का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में 150 से अधिक महिला पुरुष शामिल हुए थे। अब इस संस्था का यह दूसरा प्रकल्प है जिसमें नेत्रहीनों को रोजगार दिलवाने का प्रयास किया जाने वाला है। जल्द ही स्वयं सिद्ध उद्योजकता विकास अभियान के तहत किरण पातुरकर के नेतृत्व में गारमेंट प्रशिक्षण की भी शुरुआत की जाने वाली है, ऐसा संस्था की संयोजिका प्राध्यापक मोनिका उम्मक ने सूचित किया। स्वयं सिद्ध उद्योजकता विकास अभियान राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने जे अंध लोक आहेत त्यांना कापडी पिशव्या आणि कागदी पिशव्यांचं मोफत ट्रेनिंग आम्ही देतो आहे। हे ट्रेनिंग दिल्याच्या नंतर 70 लोक त्याच्यात उपस्थित राहणार आहेत। त्यापैकी ज्यांची इच्छा आहे त्यांना मग आम्ही 3 दिवसाचं अजून जास्त स्किलवालं ट्रेनिंग देऊ आणि आवश्यकता असेल तर पुढे जास्त ट्रेनिंग देऊ। अंध लोकांना शिकवणं हे खूप कठीण आहे, स्पर्शानी प्रत्येक गोष्ट शिकवावं लागतं, त्यामुळे प्रत्येकाकडे इंडिव्हिज्युअल लक्ष द्यावं लागतं, स्पर्शानी त्याला शिकवावं लागतं, त्यामध्ये शिकणं त्यांच्या आयुष्यात मर्यादा आहे आणि त्यांना त्रासही खूप आहे। असं असताना अंध लोक स्वतःच्या पायावर जेव्हा उभं राहण्याचा प्रयत्न करतात आहे आणि स्वयंसिद्ध त्यांना मदत करते आहे। मी आपल्यामार्फत ज्यांना ज्यांना कापडी पिशव्या लागतात किंवा कागदी पिशव्या लागतात त्यांना आवाहन करतो आहे की जर का अंध लोक अशा पद्धतीने प्रयत्न करत असतील आणि चांगल्या क्वालिटीच्या पिशव्या देत असतील तर त्यांनी त्यांच्याकडनं विकत घेतल्या पाहिजे, थोड्या महाग झाल्या तरी हरकत नाही आणि दृष्टीनांना रोजगार मिळवून देण्याचं पुण्यकर्म प्रत्येकाने करावं। कारण आम्ही प्रयत्न करतो आहे, आम्ही पूर्ण ट्रेनिंग घेऊन त्यांना तयार करतो आहे। मला तशा प्रकारचं आश्वासन चिल्लर किराणा असोसिएशनने दिलेलं आहे, हॉटेल असोसिएशनने दिला, ड्रगिस्ट अँड केमिस्ट असोसिएशनने दिलेलं आहे, निलेश चितोरे मॉडर्नचे त्यांनी दिला, आराधनाचे पुरणमल अवलानींनी दिला आहे, रघुवीरचे चंद्रकांत पोपट यांनी दिला आहे, गोपाल चांडक यांनी दिला, त्यांनी तो ऑर्डर पण दिलेला आहे आम्हाला की आम्हाला 150 बॅग द्या, 200 बॅग, 500 बॅग द्या, 1000 बॅग द्या,
त्यामुळे त्यांच्या ऑर्डरही आहे आणि यांनी पण आश्वासन दिलं आपण सगळ्या लोकांनी याच्यात सहभागी होऊन अन्य लोकांना रोजगार मिळावा आणि त्याच्यात आपल्या या आपला हात लागावा अशा पद्धतीचं काम करावं अशी विनंती आहे. उद्या विश्व नेत्रदान दिवस आहे त्यानिमित्ताने 11 तारखेला हा उपक्रम आम्ही MRDC मध्ये राबवतो. शहर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में अग्रगण्य महात्मा फुले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रजत जयंती वर्ष शुरुआत मान्यवर की मौजूदगी में की गई. वर्ष भर चलने वाले इस समारोह की शुरुआत शेगांव नाका स्थित अभियंता भवन में हुई. समारोह के पहले दिन जिले भर के लगभग 3000 से अधिक सभासदों तथा ग्राहकों ने हिस्सा लिया. बैंक की कार्य प्रणाली प्रगति तथा बैंक में हो रहे कामकाज पर बैंक ने अपने ग्राहकों तथा सभासदों के समक्ष प्रकाश डाला. महात्मा फुले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अमरावती पिछले 25 वर्षों से अपने सदस्यों और ग्राहकों के वित्तीय उत्थान के लिए लगातार काम कर रहा है और वर्ष 2024-2025 को अपने रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहा है. रजत जयंती वर्ष की शुरुआत बैंक के उन सदस्यों और ग्राहकों के लिए एक विशेषज्ञ बैंकिंग मार्गदर्शन कार्यक्रम के साथ की जा रही है जिन्होंने बैंक की प्रतिष्ठा लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. मान्यवरों के हाथों इस अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फुले छत्रपति शिवाजी महाराज इनका पूजन कर तथा दीप प्रज्वलन किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष दिलीप लोखंडे ने की. इस अवसर पर बतौर प्रमुख अतिथि तथा मार्गदर्शक राज्य सहकारी चुनाव अधिकारी के आयुक्त अनिल कवडे, जिला उपनिबंधक शंकर कुमार, सेवानिवृत्त संचालक सहकार वस्त्र उद्योग श्रीधर गोरडे, अभिनन बैंक के अध्यक्ष एडवोकेट विजय बोथरा आदि ने अपनी प्रस्तावना में उन्होंने 2000 से लेकर 25 वर्ष के वर्षों के कार्यों का लेखा जोखा उपस्थितों के समक्ष रखा. जिला मध्यवर्ती बैंक के खातेदार रहे जिले के 43,050 किसानों को 24,83,43,280 रुपए का ब्याज माफ किया गया है. इन किसानों ने निर्धारित समय अवधि में यानी 31 मार्च के पूर्व कृषि कर्ज अदा कर दिया रहने से इन किसानों को केंद्र व राज्य सरकार से ब्याज माफी का लाभ मिला है. RTE प्रवेश प्रक्रिया के लिए शुक्रवार 7 जून को ऑनलाइन ड्रॉ निकाले गए. जिले के 2,396 विद्यार्थियों की RTI लॉटरी लगी लेकिन उनकी चयन सूची अब तक शिक्षा विभाग के पास नहीं आई है. सूची मिलते ही प्रत्यक्ष प्रवेश की शुरुआत होने वाली है. प्रवेश के लिए पालकों के मोबाइल पर संदेश भेजा जाने वाला है. RTE की प्रवेश प्रक्रिया की 17 मई से शुरुआत हुई. 31 मई को ऑनलाइन आवेदन भरने का अंतिम दिन था. इस दौरान 6,260 प्रवेश अर्जी प्राप्त हुई थी लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आवेदन कम आने से तथा RTE प्रवेश से कोई वंचित न रहने के लिए प्रशासन की तरफ से इस प्रवेश प्रक्रिया को 4 दिन यानी 4 जून तक समयावधि बढ़ाकर दी गई. यह अवधि मंगलवार को समाप्त होगी. 2,396 प्रवेश के लिए 6,663 पालियों के ऑनलाइन प्रवेश आवेदन प्राप्त हुए हैं. पिछले वर्ष प्रवेश प्रक्रिया समय पर शुरू थी और आवेदनों का आंकड़ा 9,000 तक पहुंचा था. उस तुलना में इस बार प्रवेश अर्जी 3,000 कम हुई है. शहर के मध्य भाग में स्थित मुख्य वनरक्षक के शासकीय निवास स्थान परिसर सहित मुख्य वनरक्षक प्रादेशिक कार्यालय परिसर में चंदन पेड़ शातिर चोर चुरा कर ले गए. चोरी की घटना प्रकाश में आते ही गाड़गेनगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जानकारी के मुताबिक शहर के कैंप परिसर में मुख्य वनरक्षक प्रादेशिक का कार्यालय है. इस कार्यालय परिसर के चंदन पेड़ चोर काट कर ले गए. साथ ही इस कार्यालय परिसर के अन्य 4 पेड़ पर आरी मारी गई है लेकिन इन पेड़ों को ले जाने में चोर विफल रहे. साथ ही वृंदावन कॉलोनी की एक निजी शाला परिसर से भी 2 चंदन के पेड़ चोरी हो गए. यह चोरी शुक्रवार को प्रकाश में आई. कैंप परिसर में ही मुख्य वन रक्षक का शासकीय बंगला है. इस बंगला परिसर से शुक्रवार मध्यरात्रि को शातिर चोर एक चंदन का पेड़ चुरा कर ले गए. यह बात शनिवार को प्रकाश में आई. इस प्रकरण में श्याम देशमुख की शिकायत पर गाड़गेनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है. शहर के साईनगर परिसर में श्री विहार कॉलोनी निवासी आशीष रामदास माहुलकर नामक युवक के पिता रामदास माहुलकर कल शनिवार को 5:45 बजे के दौरान पैदल जा रहे थे. तब घर से कुछ ही दूरी पर मोटरसाइकिल पर सवार युवक ने उनके पास आकर गले से 30 ग्राम की सोने की चेन झपट ली थी और पलायन कर दिया था. सोने की चेन की कीमत 1,53,000 रुपये थी. शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने धारा 392 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. इस प्रकरण में क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के निरीक्षक राहुल आठोले के नेतृत्व वाला दल भी जांच में जुट गया था. घटना के कुछ ही देर बाद इस दल को मिली जानकारी के आधार पर टांगा पड़ाव चौक से संदिग्ध अवस्था में घूम रहे अलकरीम नगर निवासी
शेख जाहिद उर्फ हाफिज शेख हारून नामक युवक को कब्जे में लेकर कड़ी पूछताछ की, तब उनसे लूटपाट की कबूली दी। पुलिस ने उनके पास से 30 ग्राम सोने की चेन और घटना में इस्तेमाल दुपहिया सहित कुल 1,68,000 रुपए का माल जब्त किया है। आरोपी को राजापेट पुलिस के हवाले कर दिया है। मामले की जाँच पुलिस आगे कर रही है।